आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखिए, मीरा भाईंदर में मनपा प्रशासन की लापरवाही से ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा एक भ्रष्टाचार उजागर। 200 सफाई कामगार परेशान। मीरा भाईंदर मनपा ठेकेदारों के धोखे के शिकार सफाई कामगार के 200 परिवार। मनपा प्रशासन स्थानीय पुलिस प्रशासन पर लगा लीपापोती करने का आरोप। पीड़ित परिवारों का सभी राजनीतिक दलों से निराश होने के बाद आम आदमी पार्टी से गुहार। पार्टी के लीगल सेल मीडिया टीम के साथ मदद को पहुंचे गीता हेमंत कानवर। पिछले 7 दिनों से वहां उपोषण पर अनशन पर बैठी है। उन्होंने अन्न जल सभी त्याग दिया है और मांग कर रही है उनके साथ जो धोखा, उनके साथ जो फ्रॉड, उनकी सैलरी, उनके पैसे को, उनके काम को लेकर हुआ है, उसके लिए वो उपोषण पर बैठी हैं। एमबी न्यूज़ पहुंची थी उनसे बात करने के लिए और पूरी जानकारी लेने के बाद आप तक ये खबर ला रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है, आइए सुनते हैं। लेकिन आज 1.5-2 साल हो गया, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बोलने चाहते हैं तो हम लोग को सीधा धमकी दी है। अभी भी हमारे 6 दिन से कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है, ना मुंबई में हो रहा है, ना कहीं हमको पागल बनाया जा रहा है। इसके ऊपर पूरा एक्शन होना, हाथों को भी नहीं सुनना, ये कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर भी अन्याय है। गीता हेमंत कानाबाद, कितने दिनों से बैठे हैं आप यहाँ पे? 6 दिन हो गया। 6 दिन से आपको कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। क्या मांग रहे हैं, आपकी मांग क्या है? ये जो साइन मेंडी ने जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और 2-2 साल का हमारा पगार नहीं देता है, सिर्फ खर्ची देता है, वो भी 3-3 महीने के बाद हम लोग को 3,000 रुपये खर्ची देता है। जो कि नगर पालिका में ये दिखाया जाता है कि हम लोग को 15,000 रुपये दिया जाता है और हम लोग को 3,000 ही देता है। तो वो 15,000 दिखाने के लिए आपसे कुछ कागज बनवाता है? वहाँ पे हम लोग का नाम रहता है, सही रहता है और एक गैप रहता है तो उससे लिखता है 3,000 बस, उसके आगे कुछ नहीं। और वो आपसे साइन करा के ले लेता है? साइन सबसे कराते। ये नगर पालिका मीरा भाईंदर नगर पालिका से कितना पेमेंट लेता है वो लोग? वो तो 15,000 रुपये लेता है हमारे नाम, आपके नाम से वो 15,000 हमारे नाम से 15,000 भी लेता है। अभी मालूम पड़ा कि चेक भी हमारे नाम से जा रहा है, लेकिन नगर पालिका में हम लोग बताते हैं कि ये हमारे नाम से चेक क्या कर रहे हैं। नगर पालिका बोलते हमारे कोई लेना देना नहीं है इसमें, हमको नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट से बात हुई। कौन है कॉन्ट्रैक्टर, नाम बताए? शायद मेंटेनेंस पार्कर है, परेशान पार्कर और एक तुषार। तीन पार्टनर है, एक है या अलग अलग ठेकेदार है? पार्टनर है। ओके, तो आप लोग कब से ये काम कर रहे हो, कितने टाइम से आप उनके? हम लोग 22 साल हो गए। 22 साल से उनके? कौन? नहीं, उनके तो 2 साल, वो तो 2 साल से आए हैं, लेकिन हम एक ही जगह पे 22 साल से रहे हैं, कोई 22 साल से, कोई 15 साल से रहे हैं। नहीं, ये ठेकेदार के साथ काम करते हुए कितना? 2 साल। तो 2 साल में आपको अभी पता चला कि ऐसा हो रहा है या आपको पहले पता चला कभी? नहीं, पहले हम लोग को मालूम था लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था, किसी ने बताया नहीं, किसी ने बताया नहीं था। फिर जैसे अंदर चला गए मालूम पड़ा हम लोग को, फिर हम लोग ने खुद दर्द चालू की। तब 1 साल से हम लड़ाई कर रहे हैं उसके साथ, खाली इतना समझ में आ रहा है पूरा नगर पालिका उसने बेच खाया है, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं है, कोई खड़ा नहीं है। मेरे हस्बैंड उसने भी आमरण उपोषण किया था। तो क्या नाम उनका? हेमंत कानाबाद। अच्छा, उन्होंने भी उपोषण किया था? किया था, मेरा भाईंदर में किया था। अच्छा, तो 3 दिन का उपोषण था तो वहाँ पे भी हथौड़ा वगैरह उनपे मतलब जानलेवा हमला किया था, उसपे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनको पकड़ा गया जिसने मारने को लिया था। तो उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की थी? हाँ, किया हुआ की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं। ये आपको पैसा 3,000 देता है, 14,000 लेता है, इसकी शिकायत आप मनपा के आयुक्त से आपने की? आप मिले? आप मिले सबसे? सबसे पवार तो हम लोग को 4-4 घंटे बिठा के रखता है। और दिलीप ढोले, उसका मालूम पड़ा कि उसका गुरुवार है मिलने का, तो भी वो इंसान गुरुवार को नहीं मिलता, हम लोग पूरा दिन वहाँ पे बैठ के चले जाते जबकि वो खुद बोलता है कि गुरुवार मिलने आ जाओ मैं फ्री रहूँगा। तो आपको क्या कहा जाता है कि आप जब शिकायत लेके जाते हो तो आपसे क्या कहते हैं? पूछ रहे, बोलते हैं कि हाँ करेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे,
अब अभी इतना भावुक मत हो, होगा सब आस्ते आस्ते होगा, लेकिन आज 1.5-2 साल हो गया किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि पुलिस ने भी 3-3 FIR हमारे पे, महिला मंडल पे और मेरे पति पे झूठा झूठा इल्जाम डाल के जेल में डालने को कहा। कौन सा पुलिस स्टेशन? भाईंदर पश्चिम, भाईंदर पुलिस स्टेशन, भाईंदर पुलिस स्टेशन। हाँ, काशीमीरा चौकी में भी हुआ था, काशीमीरा चौकी में भी कंप्लेंट हुआ। तो अब आप मुझे ये जानना है कि आपने लिखित में कुछ दिया है इनको मन को? लिखित में भी दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आप क्या चाहते हैं? अब आपको क्या चाहिए? क्या न्याय क्या चाहिए? यही कि हमारे 2 साल का जो है, जो पगार हम लोग को 2 साल से नहीं मिला है, वो हमको पगार दे दे और हमारे हर महीने अकाउंट में पैसा आना चाहिए। और अभी जो हम लोग को मालूम पड़ा है नए ठेकेदार आ रहा है, उसने यहाँ पे बोला गया है दिलीप रवि पवार, उसने कहा है कि हर बाथरूम के ऊपर से 4,000 भाड़ू लागू होगा। ऐसे ऐसे कितने ये बाथरूम है जिनके ऊपर आप लोग का, कितना परिवार है? कितने परिवार? 200 परिवार है पूरे, 200 परिवार इसी तरीके से ठेकेदार कर, और ये 3 ठेकेदारी काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और भी हैं? नहीं, अभी तो ये दोनों ही हमारे सामने आते हैं, हमारे से जवाब लेते हैं, बातचीत होती है, बाकी उसके ऊपर कोई है वो अभी तक कच्ची देता है। कुछ काम रहता है वो भी नहीं करता है, और ये जो माल बिल देता है आरसीड ब्लीचिंग ये भी नहीं देता है, सिर्फ 3,000 देता है, उसी में सब आपको करना पड़ता है। 2,000 उल्टा दादागिरी करता है। अच्छा, के सुपरवाइजर लोग आके दादागिरी करते हैं, वो क्या कहते हैं आपको? मुरीगा तुमको करना पड़ेगा ये सब। अच्छा, तो इस बात को 2 साल होने आ रहे हैं आप, मतलब ये लगभग कितने परिवार आप बता रहे हैं जो काम कर, 200 परिवार के साथ ये अन्याय हो रहा है? तो जब ये कल हम लोग इससे पेड़वी से मिले थे, वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट जाने और तुम जानो। किससे मिले थे? पेड़वी से, ये जो ठेकेदार है उससे, पान पटे मिले थे, वो बोले कॉन्ट्रैक्ट जाने और तुम जानो। और कुछ हम लोग जैसे बोलने चाहते हैं तो हम लोग को सीधा धमकी दिया जाता है कि खाली कर दो, बस डायरेक्ट खाली कर दो, काम से निकालने की धमकी, निकालने का धमकी देते हैं, और हमको बहुत परेशानी करते हैं। तो ढोले साहब से जब मिलने गए थे तो आप लोग सारे मिलके गए थे या? हम लोग सारे गए थे, लेकिन कुछ लोगों को ही अंदर लिया गया था। हम लोग ने कल फर्जी पेपर निकाले थे उनके, वहाँ से 15,000 रुपया सोन लाल को मैंने दिया, जिसमें मैं पासबुक भी साथ में जेब में लेके आया हूँ, 3,000 रुपया मेरे खाते में ही डाला हुआ है असाइनमेंट में सर्विस करके, बाकी हम लोग को 15,000 रुपया चेक के बैक का नंबर भी मिलते हैं और हमारा साइन भी मिलता है, लेकिन पूरा फर्जी पूरा मेरा मैटर में चल रहा है। साइन करवा के आपसे ले लेते और खुद ही हम लोग के खाली व्हाइट पेपर आता है बाउचर, उसमें साइन करवा लेते हैं, आपका 3,000 है ये आप साइन करो, और जो BMC का पेपर आता है उस पर पूरा बरोबर करवा के लेते हैं कि आप साइन करो। तो ये बात आपने मनपा आयुक्त को बताई? पूरा मेरा भाईंदर में भी कोई भी मेरा मनपा भाईंदर का कोई भी नहीं छोड़ा, हम लोग ने जितना भी मेरा भाईंदर के नगर सेवक थे सबको हम लोग ने बताया कि हमारे साथ में, सभी नगर सेवकों को बताया, तो भी सफाई कामगारों की कहीं नहीं सुनवाई, सभी नगर सेवकों से आपके बात की है। तुम्हाला कोणी बोलले भाडा द्यावा लागेल? रवी पवार आणि पानपट्टी सर आम्हाला असं बोलले। म्हणजे जे नवीन कॉन्ट्रॅक्टर येतो त्यांच्या अगोदर तुम्हाला हे बोलतात? सरकार एवढी पण गरीब नाही की जे घाण एवढी घाण साफ करतो आम्ही, त्या घाण साफ करताना जो राहते परिवार त्यांच्याकडनं पण पैसे घेईल असं काय आहे? सरकारने जेव्हा बनवलंय, सरकारने ज्यावेळेस बनवलं त्यासाठी बनवलं, व्हायलाच बनवलेलं आहे, तर आम्ही भाडा कशाने देऊ? आणि दुसरा आहे की ते फक्त हाच नाही, ते मुद्दाच नाही आमचं भाडा, आणि आम्ही भाडा देऊ, पण आम्हाला तिथं आम्ही राहते तिथे आम्हाला घर पावती जे बोलतात ते द्या आम्हाला, आम्ही द्यायला रेडी आहे, पण आम्हाला हवी पाणीपट्टी लाईट बिल जे पण आहे ते आम्हाला पाहिजे। मग आणि माझा एक प्रश्न मॅटर आहे, माझ्या नवऱ्याचं आतापर्यंत
आले तर तुमच्या अकाउंटला टाकतो. गव्हर्नमेंटला त्यांनी दाखवले आणि आमचं बिल पण हर महिना जाते, पण जे अकाउंट नंबर त्यांनी दिले तोच गलत आहे. शांताक्रुज मधून कुणाचं तरी आहे, पण शांताक्रुज मध्ये आजपर्यंत मी पण शांताक्रुज बघितलं नाही, माझ्या हस्बंडला पण नाही बघितलं, तर मग ते अकाउंट नंबर कुणाचा आहे. आणि प्लस मी रवी पवार सरांना, पानपट्ट सरांना बोलली की सर याच्यावर कारवाई बसवा, तुम्ही काय आहे काय नाही मला हे सांगा. तर काय बोलते मॅडम तुम्ही जरा मागवा ना, नंतर तुमच्याशी बोलतो ना मी. पोलीस स्टेशनला मी काल गेली, तुम्हाला काल पोलीस स्टेशनला गेल्यानंतर पण मला तेच बोलत. बच्चा कैसे पालते हैं कैसे नहीं पालते है, हमसे वो भाड़ा मांग रहे हैं, उसको शर्म नहीं आ रही है? उसको शर्म आनी चाहिए कि अगर कैरेटेकर आदमी से भी वो भाड़ा वसूल करने की सोच रहा है तो उसको 13-13% में वो लोग बिक रहे हैं, उनको ये नहीं शर्म आती है और हमसे भी भाड़ा वसूल करने के लिए पीछे पड़े हैं. और रही बात अपना साइन मेंटेनेंस वालों की, वो हमारा पगार हमारे तक पहुँचा ही नहीं रहे हैं और अकाउंट में देते नहीं है. 3,000-3,000 रुपये हमारी खर्ची देते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो हमारा जो भी 2 साल का पगार है हमारे चेक द्वारा हमारे अकाउंट में सीधा सीधा आए. और दूसरी बात ये है, जब वो पीएफ वो भर सकता है, पीएफ का कानून है 9,500 रुपये से ऊपर से पीएफ लागू होता है. अब मेरा पगार 5,000 आ रहा है तो मेरा पीएफ लागू कैसे हुआ? जब पीएफ लागू हुआ तो मेरा दे रहा है ना वो, तो मेरे पगार किधर है भाई? फिर यही हम उनसे सवाल पूछने जाते तो हमारे ऊपर वो भड़कते हैं, हमें ऑफिस से ऐसे करके बाहर निकाल देते हैं. तो हमारी मांगे ही हैं जो सबने बोला है कि हमारा जो पगार है हमारे अकाउंट में आना चाहिए. ये सीधा सीधा मुद्दा हम रवि पवार जी से पूछते हैं, दिलीप ढोले जी से पूछते हैं. साइन मेंटेनेंस तो गया भाड़ में, हम आप सीधा सीधा यही बोलेंगे. अच्छा अभी अच्छा ये बताइए ये कौन को कोई मतलब ही नहीं है साइन मेंटेनेंस से, हम लोग को कोई मतलब नहीं है. हम लोग दिलीप ढोले रवि पवार इनको ही जानते हैं. क्यों कि हम लोग जब 20 साल से उस पे रह रहे तो आप कोई भी कॉन्ट्रेक्टर के 3 साल में 5 साल में आके चेंज होएगा, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है. किसी और से आपको जिन्होंने वादा किया आप उनसे बात कर रहे हैं, जो पानपट्टे हैं या कौन पवार है कौन, आप उन्हीं से पूछ रहे हैं? हम उनसे पूछेंगे. और सर मेरा एक और मानना है, जैसे वो हमारे खाते में पैसा डालता है और वो खुद भी निकाल रहा है यूज कर रहा है बराबर, कल को ऐसा हो जाए कि भाई समझो मैं सपोज करो मेरे ऊपर ही ऐसा एक्शन लिया जाए कि भाई मैंने लखन को 2,00,000 रुपए दिया है करके और कल को मेरे को तो पैसा मिला ही नहीं, हो मेरे को फंसा देगा तो पूरा 2 साल मेरे से फ्री में काम करा सकता है. इसके लिए जो ये धांधली हो रही है ना, ये हमको पागल बनाया जा रहा है, इसके ऊपर पूरा एक्शन होना चाहिए. और जो चेक द्वारा जो पेमेंट हमारी निकाल लेता है वो कैसे निकालता है वो भी उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी लोग यहाँ आए, आम आदमी पार्टी के लोग हमारे साथ में खूब यहाँ आए हैं आपसे मिलने के लिए. अच्छा मान जी जो हमारे पंजाब में बने वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा एक्शन में अभी आ गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जो मेरे हिसाब से कुछ यूनिट बिजली का बिल माफ कर दिया है, 300 यूनिट बिजली का माफ किया है बिल उन्होंने. और 1,000 रुपए महीना महिलाओं के खाते में डालना चालू कर दिया है. यहाँ पे हम लोग रिपब्लिकन पार्टी में जब थे ही बोलेंगे अभी कि आप कोई हमको यहाँ देखने नहीं आया, कोई मर रहा है क्या जी रहा है, उस आज तक हमारी कोई खैर सुख लेने के लिए नहीं आए. आज हमारे पास में आम आदमी पार्टी खुद आई है, हम भी उनके पास में गए, सीधी सीधी बात है, जो हमारा सपोर्ट करेगा हम भी उनके तन मन धन से उनके साथ में रहेंगे. कहना चाहती हूँ अभी ये महिला 6 दिन से शायद तक बैठे हैं, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो इनका जिम्मेदारी कौन है? पूरा इंडिया सरकार अपना जो बोलते हैं ना पान पेटी वाला जो है ये लोग की जिम्मेदारी है, पूरा नगर पालिका ऊपर ही जाता है. अगर इनके कुछ हो जाएगा तो पूरा नगर पालिका ऊपर ही जाएगा. मतलब आपका कहना है अगर इनको कल कुछ हो जाता है तो इसकी जवाबदारी नगर पालिका के ऊपर जाती है, क्योंकि वो कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं आपकी. उन्होंने भी खाना नहीं खाया सर, ना कोई रोटी पकाने वाला है घर में, ना तो कोई कुछ करने वाला है. ये भी जैसे कुपोषण पे है वैसे उनके बच्चे भी कुपोषण पे, वो कैसे भी तो घर में बस चाय नाश्ते के ऊपर जी रहे हैं. और ये सबकी जिम्मेदारी अपनी महाराष्ट्र शासन ही है सर, क्योंकि वो लोग नहीं कुछ हमारी सुनवाई करे. इधर भी हम लोग आए, इन्होंने जो मंत्रालय से लेटर दिया था उसकी भी उन लोग ने कोई ये नहीं की, इज्जत नहीं की. मीन्स हम लोग का तो आम आदमी का कुछ भी नहीं है, हम लोगों के लिए मुद्दा है. और आप क्या किस तरह की इनकी हेल्प करेंगे आप? जैसे मुझे पता चला कि जो सफाई कामगार हैं उन लोगों को कम से कम 2 साल से जो उनका पगार है
14-15 हज़ार रुपये की उनकी पगार होनी चाहिए हर पूरा शौचालय के सफाई कामदार की, लेकिन उनको 3 हज़ार रुपये दिए जाता है। और हमें पता चला कि एक महिला है जो अंचल पे 5 दिनों से बैठी है, तो आज हम मीरा भाईंदर से जो है वो आज़ाद मैदान में आए उनसे मिलने के लिए, हाल जानने के लिए। वाकई ये बात सही है कि 75 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान के आधार पर सभी को समानता का अधिकार दिया, और जो तबका जो है सचमुच दबा कुचला तबका था वाल्मीकि समाज का, उसको ऊपर उठाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, आज इतने सालों के बाद भी दिख रहा है कि जो वक्त तो बदल गया लेकिन उनका संघर्ष जो है वो अभी भी जारी है। ये वाल्मीकि समाज जो लोगों के लिए अपनी सेवा प्रदान करते हैं, सुलभ शौचालय से लेकर सभी जगह पर झाड़ू सफाई, जितना भी काम इनका अगर प्रशंसा किया जाए कम है, लेकिन इन्हीं के ऊपर जिस तरीके से अन्याय, हमारे बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं, अभी कमिश्नर जो मीरा भाईंदर के हैं, दिलीप ढोले जी हैं और रवि पवार, उनके जरिए उनकी बातों को भी नहीं सुनना, ये कहीं ना कहीं मानवता के आधार पर भी अन्याय है। और मैं कहूँगा कि इनकी बद्दुआ जो है वो मीरा भाईंदर कमिश्नर और रवि पवार ना लें, इनकी बद्दुआ में बहुत दम होता है। और इसीलिए मैं उनसे कहता हूँ कि सही समय पर जाकर इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूरी जोर लगाएं, नहीं तो ये अपने बच्चे और परिवार के साथ नगर पालिका के बाहर अपने बच्चों के साथ अनशन में बैठेंगे। और उसके लिए आम आदमी पार्टी प्रैक्टिस है आपकी कुशवाहा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कानूनी तौर पर ये जिस तरीके की लड़ाई है, आप किस एंगल से, किस नज़र से देख रहे हैं इनको, कितनी मदद आपकी तरफ से एज ए कानून के तहत, और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या उनको मदद मिलेगी? देखिए, 200 शौचालय मीरा भाईंदर महानगर पालिका में बने हुए हैं और सभी शौचालय के ऊपर सफाई कर्मचारियों को रहने की व्यवस्था है और उसकी जिम्मेदारी है साफ सफाई करने की। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराया गया था, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे बैंक का स्टेटमेंट था और जो सफाई कर्मचारी था उसका नाम था, और उस नाम के आगे लिखा हुआ था चेक नंबर और अमाउंट 14,000-15,000 के आसपास अमाउंट लिखा हुआ था, और वो सारा लिस्ट बना करके 200 के 200 लोगों को, 140 लोगों को नाम के साथ में नगर पालिका का थप्पा लगा हुआ जमा किया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक महीने में 14,000-15,000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन जो हकीकत अपने सामने आया, हकीकत के तौर पर ये बात आई कि यहाँ पे जो लोग भी बैठे हैं ये भी आपको बताए, और जो डॉक्यूमेंट बता रहा है वो भी बताया कि वो डॉक्यूमेंट के आधार पर पैसा नगर पालिका से पूरा 14,000-15,000 रुपया एक कर्मचारी के पीछे ले रहे हैं, लेकिन इनको हाथ में 3,000 रुपया देते हैं, 3,000-2,000 रुपया महीने के हिसाब से देते हैं, केवल खर्ची का पैसा देते हैं। और जो कंट्रेक्टर है ये बोल के कि आप ऊपर रहते हो तो भाड़ा आपका है उसमें काट लेता है, जबकि नगर पालिका के तरफ से 1 रुपया भाड़ा चार्ज नहीं किया जाता है। और कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जो अकाउंट खुले ही नहीं है, अभी समझो अभी वो महिला ने बताया कि 2000 अभी हमारा अकाउंट ही नहीं है, हमारे अकाउंट का स्टेटमेंट लगाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो अकाउंट नहीं खुला उस अकाउंट में पैसा दिया जाए बताया जा रहा है। 2022 का एक अकाउंट हमने चेक किया था कि खुला है, उसमें पेमेंट 2021 से बताया जा रहा है, तो सीधा सीधा ये भ्रष्टाचार इसमें बड़े बड़े स्तर का भ्रष्टाचार मालूम है। आपने वो कागज देखे? हमने सारा कागज वेरीफाई किया, मेरे पास काफी भी कागज की सारी पड़ी हुई है, और मैं उस कागज के आधार पे जो कॉन्ट्रेक्टर है उसके ऊपर 420 का सीधा सीधा फ्रॉड का केस बनता है, और हम कोशिश करेंगे कि इनकी लड़ाई हम नगर पालिका से लेकर न्यायालय तक और संसद से लेकर सड़क तक लड़ने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी के माध्यम से, और इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। क्या आप सोच रहे हैं, किस एंगल से उसको ले रहे हैं आप? बिल्कुल, ये घृणास्पद और अमानवीय ये है, शोषण है सफाई कर्मचारी, उनके नाम से नगर पालिका के पैसे निकाले बैंकों में आ रहे हैं, आने के बाद निकाले भी जा रहे हैं लेकिन उनको नहीं दिए जा रहे, तो ये भ्रष्टाचार का सीधा सीधा मामला है। इसमें जो भी निराकरण नहीं करते हैं उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करके उन पर जांच बिठानी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बैंक की तरफ से जो दस्तावेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, इनके नाम से पेमेंट निकाला जा रहा है, नाम से जमा हो रहा है पैसा, तो उस बैंक के ऊपर में पूरी जांच होनी चाहिए, उस बैंक का लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए, क्योंकि बैंक भी भ्रष्टाचार के अंदर पूरी तरह शामिल है। किसी का सिग्नेचर नहीं है लेकिन फर्जी सिग्नेचर से पैसे जमा हो रहे हैं, फर्जी सिग्नेचर से पैसे निकल रहे हैं, तो अपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को सबके ऊपर में जाँच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये पूरा का पूरा अधिकारों का हनन है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा। हम जब आज़ाद मैदान पहुंचे, गीता से बात कर रहे, तो पता चला सीएम साहब से मिलने के लिए उनके पति हेमंत जो हैं
वो बात करने के लिए गए हैं और उन्होंने सीएम साहब ने मनपा आयुक्त दिलीप ढोले को फोन करके कुछ निर्देश दिए और उसके बाद उन्होंने हेमंत कानवर और उनके परिवार को मिलने के लिए 7 तारीख को 11 बजे बुलाया। फिर क्या हुआ, क्या हल निकला, क्या नहीं निकला, ये जानने के लिए हम विस्तार से आपको बताएंगे एमबी न्यूज की अगली कड़ी में। एमबी न्यूज के लिए मैं राजेश शर्मा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।